हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर एके सिंह और आज फिर हम अपने टीजीटी एसएसटी की तैयारी करेंगे। और टीजीटी एसएसटी में हम क्या देख रहे थे, आपकी एनसीईआरटी कवर कर रहे थे। और एनसीईआरटी की आपकी दो दिन क्लास नहीं हुई क्योंकि नेट का इशू हो रहा था, तो आपकी ये जो बड़ी क्लासेस थी वो जा नहीं पा रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो दो दिन स्किप रही है। अब नेट का थोड़ा सा इशू ठीक है, तो इस वजह से आपकी क्लास में आपकी लापरवाही नहीं हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी, यानी कि हम एनसीईआरटी का जो पास, यानी कि क्लास सिक्स के एनसीईआरटी हमने कम्प्लीट कर लिए। सेवन्थ के एनसीईआरटी में हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी पे चल रहे थे, यानी पांचवा चैप्टर था शासक और इमारतों के बारे में। तो इमारतों के कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए इमारतों के बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने सभी ने कहीं ना कहीं कुतुब मीनार के बारे में सुना होगा, यानी कि कुतुब मीनार आपको पता होगा और कई बार आप बहुत सारे लोग घूम के भी आए होंगे, तो आपको उसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो जाननी है हमें अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इस इमारत का निर्माण करवाया था, तो आपको पता होना चाहिए क्या है करवाया था। ठीक है, तो ये आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर आती है यहाँ कुतुब मीनार की पांच मंजिल इमारत अभिलेखा, यानी कि अभिलेखों के पट्टियों, इसके एक तरह से जो ये देखिए, जैसे कि आपकी ये इमारत दिख रही है, ये इमारतों में पहली मंजिल क्या है का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिल का जो निर्माण था वो का किसने कराया था 1229 में के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कुतुब मीनार का पूरा निर्माण और कुतुब मीनार का अधूरा निर्माण किसने करवाया, तो आपको पता होना चाहिए। कई वर्षों के इस यानी कि आंधी तूफान भूकंप वजह से क्षतिग्रस्त हुई और क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया और ये आपका 1199 वाला आपको पता चल गया कि पहली इमारत यानी कि पहली मंजिल इसने बनवाई थी। फिर आगे चलते हैं अभिरचना, यानी कि अभिरचना क्या है, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, जैसे क्या है राजस्थान के कहीं ना कहीं इस यानी कि इलाकों में देखा हुआ गया है। और जो इस तरह की जो बावड़ियां हैं या फिर आपकी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं बावड़िए, जिस आपने देखे बावड़िए क्या होते थे, एक तरह से कहीं ना कहीं जिसमें पानी का एक तरह स्रोत के रूप में रखा, जैसे बताया गया बावड़ियों में क्या है पानी के, यानी कि आपके जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता था, अपनी एक तरह से सुंदरता को। और कहीं ना कहीं बावड़ी का निर्माण कहीं ना कहीं यानी विख्यात जो बावड़ी थी 1699 ईसा पूर्व में रानी एक तरह से नाथावत जी के लिए बूंदा के राजा अनुरुद्ध सिंह की रानी थी। कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए, इसमें से आपका इम्पोर्टेंट किस लिए आता है अभिरचना और कहीं ना कहीं बावड़ी। ठीक है, बावड़ी का मतलब ये है स्रोतों की, यानी पानी के स्रोत के रूप में आपका इम्पोर्टेंट रहा है। फिर आता है वास्तुकला की, यानी वास्तुकला शैली के लिए आपको पूछा जाता है वास्तुकला शैली। अब आती है यहाँ पर क्या है, यानी 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकला के जो कई नायाब जो नमूने देखने मिले, यानी कमरे दरवाजे उनकी। फिर आपका क्वेश्चन आता है वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थित टोडा निर्माण कहलाती थी, तो ये किस तरह की, यानी कि जो आपके छत थे, दरवाजे थे, खिड़की थे, उसमें कहीं ना कहीं उसके आर पार के कहीं ना कहीं देखने का मिलता था। जैसे आप देखोगे आज भी किलों में जाओगे तो आपने देखा होगा कि बाहर से देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा कि अंदर कौन है, पर अंदर से देखने पर आपको सब कुछ दिखाई देगा, जैसे कि आज का आपका मिरर है। ठीक है, फिर आता है 11वीं शताब्दी के आरंभ में मंदिरों का निर्माण, और ये इससे क्वेश्चन आपके कई बार आ चुके हैं। इस जैसे शिव की यानी शिव की स्मृति सॉरी शिव की स्तुति के में बनाए गए एक मंदिर थे, महादेव के जी के मंदिर थे, जो कहीं ना कहीं चंदेल वंश की राजा धंग देव द्वारा 999 में क्या करे गए किए गए थे आपका कै, यानी कि कै कौन सा, ये वाला। ठीक है, फिर आता है खै, चित्र तीन खै, मंदिर की योजना एक क्या है अलंकृत द्वार, यानी कि अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग का मुख्य सभा भवन महामंडल
जहाँ नृत्य का आयोजन किया जाता था, तथा एक तरह से पहुँचने गया मुख्य देवता की मूर्ति गर्भगृह में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है गर्भगृह किस लिए फेमस है, महामंडल किस लिए फेमस है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, धर्म के अनुष्ठान के इसी जगह का एक पन किया जाता था, और कहीं ना कहीं केवल राजा और उसके निकटतम परिवार के पुरोहित और एकत्र किए जाते थे, और खुजराव समूह के राज यानी कि राजकीय मंदिर के एक तरह सम्मेलन में एक तरह चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली इम्पोर्टेंट आपका आता है महामंडल गर्भगृह, ये किस लिए आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका ये मंदिर आ जाएगा, इसमें यानी कि राजा राजेश्वर यानी कि अवाता तंजुवर के राज राजेश्वर मंदिर के शिखर के बारे में आता है। कहीं ना कहीं ये ऊंचा था, इतने कहीं ना कहीं शिखर के बारे में आपसे कहा, शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर रखा है, ये वाले क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया, तो इतना फेमस नहीं है, पर हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है मंदिरों के ऊपर ये वाला आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं मंदिरों के छोड़ के। फिर आता है मुगल बादशाह शाहजहाँ के इतिहासकार ने शासन यानी कि शासकों ने सम्राट व धर्म की कार्यशाला को वस्तु यानी कि एक आपने देखा होगा कि आप कहते हो कि वास्तु एक्सपर्ट या वास्तु कला का निर्माण का है, तो वास्तु शैला शैलिपि बताई गई है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए। देखो हमारे आज भी गए वास्तु निर्माण से हम क्या करेंगे, घर बनाएंगे वास्तु शैली के हिसाब से घर बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए। पुराने टाइम में इससे एडवांस चलती थी चीज़ें, जैसे कि आपका है काबा इस तरफ है, इस तरफ को होना चाहिए, इस तरफ को ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सही सही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आती है जल का महत्व, यानी फारसी शब्द में क्या है आबाद और आबादी आबा शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द यानी कि आबाद शब्द इस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर एक तरह से क्या होता है यानी बसावट हो, इसका एक अन्य अर्थ है कोई खुशहाल भी है। आबादी क्या है, एक तरह से एक जो अर्थ यानी कि अर्थ क्या है, जनसंख्या, एक तरह से समृद्धि। और आपका फिर आता है क्वेश्चन ये जी आपका गोल्डन टेम्पल के ऊपर, गोल्डन टेम्पल के ऊपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुएं के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक संपन्न प्राप्त यानी कि एक तरह से व्यापक संपन्न प्राप्त किया, और इसके विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं। अब ये आपका आता है क्या है, एक तरह से स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर को क्या कहता है, हर मंदिर सा यानी कि, ठीक है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब क्या है तो ये गया श्री पांड्या राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कराया, तो राज सेन प्रथम ने को पराजित कर दिया। उस विषय में बहुत भिक्षुओं ने और इतिहासकारों ने धम्म कितक ने लिखा था। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं कोर्ट से पूछी जा सकती हैं, जैसे सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया और रतन एक तरह से महल में रखे स्वर्ण की यानी कि स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति व विभिन्न मठों में रखे सोने के प्रतिमा, इन सभी को उसने क्या करा, उसने जब्त कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं अभी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, किसका मंदिर का निर्माण कराया था। फिर आता है चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका और एक गणेश मूर्ति के दुर्गा की कई मूर्ति और कहीं ना कहीं चालुक्य से प्राप्त हुई नदी की मूर्ति, और ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, अब आता यानी कि आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ये वाला भैरव यानी शिव की एक प्रारूप। ठीक है, आपने एक सुना होगा काल भैरव, काल भैरव तो वही कहीं ना कहीं शिव जी का एक रूप के रूप में माना जाता है, तो काल भैरव। फिर आता गजनी, गजनी का सुल्तान क्या था, गजनी सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। भारत में उसने अपने अभियानों के दौरान अपनी एक उसने क्या करा था, मंदिरों को कहीं ना कहीं अपवित्र करा था और कहीं ना कहीं धन लूट के ले गया था। और गजनी के बारे में आपको बताइए कितने बार आक्रमण किया था उसने, ये क्वेश्चन आजकल पूछा नहीं जाता, कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी बार आक्रमण किए थे उसने। फिर आती है अपनी आत्मकथा में, यानी कि इन्होंने क्या करा था, जितने भी ये नाम दिए गए आपके, आपका बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, ये सारे के सारे
अपने साहित्य और इसके व्यक्तिगत रुचि के लेते हुए अपने क्या करें आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों के यानी कि बागों की रचना जैसे ये दिखाया गया है, ये आर्टिफिशियल जैसे कहते हैं ना आर्टिफिशियल, आप क्या करते हैं एक बाग बना लेते हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं बताया गया, अपनी रचना में वर्णन किया है। अक्सर यह बाग दीवार से घिरे होते थे और यहाँ कृत्रिम नदियाँ होती थी, फल यानी कि ये सारे सारे पेड़ पौधे लगाए जाते थे। तो ये बात बताइए, चार समूहों में इससे बांटा गया था, जैसे चार समूह इसमें बांटा गया था इसलिए क्या कहते हैं चार बाग कहलाते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है चार बाग का तात्पर्य क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपका हो जाए। कुछ अधिक सुंदर चार बागों में कश्मीर, आगरा और दिल्ली भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है यानी कि केंद्रीय गुंबद, जो क्या है केंद्रीय गुंबद क्या है, जो बहुत ऊंचे थे और ऊंचे। अब फिर आपसे क्या पूछा है पिस्तक क्या है, तो ये आपको यही बताना चाहिए कहीं ना कहीं ये क्या है ऊंचा प्रवेश द्वार के रूप में आता है। फिर आपका आता है यानी कि अट जो है आठ स्वर्ग एक तरह से कहीं ना कहीं आपका आठ स्वर्गों क्या है। फिर इसके बाद आता है जिसमें कि एक केंद्र कक्ष आठ कमरों से घिरा हुआ था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आठ कमरों से जो घिरा हुआ था उसे क्या कहते थे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है यहाँ पर आपकी आ जाती है यानी कि चित्र नंबर 10, चित्र नंबर आपका 10 कहाँ दिखाया गया, ये आ जाएगा आपका चित्र नंबर 10। 11 में क्या है 1562 से लेकर 1571 के बीच में निर्माण हुमायूं का मकबरा क्या है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आता है यानी कि चित्र क्या है चार बाग की योजना के ऊपर है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। फिर दिल्ली में दीवान ए आम यानी दीवान ए आम सिंहासन पर एक तरह से बताई गई है, और ये क्या है दीवान ए आम और दीवान ए खास आपको पता होना चाहिए। ये क्या है आपका है सार्वजनिक और व्यक्तिगत यानी कि सभा हेतु समारोह कक्ष में दीवाने आम और दीवाने यानी कि दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सर्वाधिक पूर्ण बनाई गई थी। यह एक विशाल आंगन स्थित था जहां दरबार के कहीं ना कहीं चलाए जाते थे, यानी कि एक तरह से ये क्या है 40 खंभों का भवन भी कहलाता था। फिर आता है पितरादुरा, ये क्या है पितरादुरा के बारे में, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर की रंगीन ठोस पत्थरों को दरबार यानी कि दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने थे, ठीक है। फिर ये आपसे पूछा जाता है, फिर आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, फिर आता है किबला ना यानी कि नमाज के दौरान मुसलमानों के यानी सामने की दिशा को कहा जाता है, यानी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है समान यानी कि इस समय दरबार यानी कि चलता रहता था, उस समय प्रत्येक व्यक्ति के मुँह के बैठने का तरीका के बारे में बताया गया, तो ये आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट रह सकता है। फिर आता है चलिए आगे देखते हैं चार बाग के बारे में बताया, चार बाग योजना के अंतर्गत क्या करा गया अन्य तरह के बाग की भी जिन्हें इतिहासकार ने नदी तट बाग भी कहा गया है, ठीक है, जैसे आगरा के ताजमहल का निर्माण कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें क्षेत्रीय व साम्राज्य के में इम्पोर्टेंट इसमें, तो फिर आता है यानी कि एक आपका चर्च के बारे में आता है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना अधिक ऊंची व हल्के चर्च के निर्माण के प्रयास में शुरू हुई वास्तुकला में इसे गोथिका नामक नाम से भी जाना जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है गोथिक किसे कहते थे, तो आपको पता होना चाहिए चर्च को नाम से जाना देते थे, और ये आपका कहाँ पर है फ्रांस में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, तो इस चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट है जो आपको बता दिया है। देखो सीधी बात ये है, एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपकी हिस्ट्री की लैंग्वेज है, हिस्ट्री की लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टफ मिलेगी लैंग्वेज में, हिंदी खासकर हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में टफ नहीं मिलेगी क्योंकि लिखने वाले कौन थे, हिस्ट्री लिखने वाले अंग्रेज़ थे, तो वहाँ पर थोड़ी सी वो भी है, और थोड़ा जो आज भी इतिहास लिख रहे हैं वो भी अंग्रेजी है, ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको जो हिंदी की एक तरह से परिवर्तन आपको देखने के मिलेगा, या फिर शब्दों में, या फिर एक तरह से आपने देखा होगा कि कहीं कहीं आपके सेंटेंस मैच नहीं होते, वो इसलिए मैच नहीं होते क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सेंटेंस है वो अंग्रेजी के अनुवाद है, और अंग्रेजी के अनुवाद में आपको लैंग्वेज भी और पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आराम से पढ़ लेना, कोई भागने की या इधर की जो वो नहीं है, आराम से बस नोट्स बनाइए, ठीक है।
इसलिए कहीं ना कहीं हिस्ट्री हिंदी वालों के लिए हिंदी में मीडियम में पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत का सामना हो जाता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।